इन अदालतों में होता क्या है और नैब के केसों की हकीकत क्या है। नैब के चेयरमैन खुद जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ी तकलीफ फरमाएं और इन अदालतों में आकर देखें कि यह हो क्या रहा है। और मैं फिर आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जो दो यहां से मुल्जमान बरी हुए हैं उनके नाम भी पता कर लें, उससे भी आपको कुछ हकायक मिल जाएंगे। मैं अपने मुल्क के वज़ीरों का बहुत मशकूर हूं जिन्होंने पिछले हफ्ते फरमाया कि जिस मुल्क में हुक्मरान करप्ट हो वो तबाह हो जाता है, और आज की हकीकत जो है वो यही बात बताती है कि जिस मुल्क का जीडीपी 313 अरब था और अब 296 हो चुका है, उस मुल्क के हुक्मरानों की क्या कैफियत है। कौन सा स्कैंडल है जो हुकूमत में नहीं हुआ। पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमतें आज वफाक में और पंजाब में हैं। कौन सा स्कैंडल है जो वफाक में नहीं हुआ है। दवाइयों में बुजरा पैसे खा गए, चीनी में बुजरा पैसे खा गए, गंदम में बुजरा पैसे खा गए, ब्रॉडशीट में वजीर और मशीर पैसे खा गए, रिंग रोड में वजीर और मशीर पैसे खा गए, और पैसे चंद करोड़ों में नहीं है, पैसे सैकड़ों अरब में। जिस वज़ीर आज़म की टेबल पे करप्ट तरीन वज़रा बैठे हों, जिस वज़ीर आज़म के फैसलों से ये करप्शन हुई हो, वो आज पारसाई का दावेदार है। तो मुल्क अगर तबाही की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। आज कोई पूछने वाला है कि मुल्क में महंगाई क्यों है, कभी वज़ीर आज़म ने ये पूछा है किसी वजीर से। काबीना में इस बात पर बहस हुई है कि मुल्क में महंगाई हो गई है। काबीना में इस बात पर बहस हुई है कि आवाम तकलीफ में है। और अभी एक और स्कैंडल इस्लामाबाद में आपके सामने आएगा, वो भी एक दो दिन की बात है, कि किस तरह हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके यहाँ पर इमरान खान उसके हवारियों ने अरबों रुपया कमाया है, सैकड़ों अरब कमाया है। ये आज हमारे मुल्क के हकायक हैं। अगर सियासत की बात करते हैं तो आज कोई हुकूमती वजीर असेंबली में ये कह सका है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। कोई शख्स ये कह सका है, कल इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ, कोई नदामत हुकूमत की तरफ से नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मुल्क का वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में नहीं आया कौम से माफ़ी मांगने, बुरसा से ज़ार हमदर्दी करने, बल्कि वहाँ पर ये वज़रा ने कहा कि ये सब अपोजिशन का किया धरा है। ये वो हुकूमत है जो आज तक कोई मुस्बत काम तो किया, मुल्क के किसी मसले की तरफ तवज्जो नहीं दिलवा सकी, जो जारी मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकी, जो तहफ़ुज़ नहीं दे सकी, जिसकी करप्शन इस बात से यहाँ है कि उस ट्रैक पर जहाँ पर हादसा हुआ उसकी मेंटेनेंस के पैसे करप्शन की नज़र हुए, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं होगा। कमीशन पे कमीशन बनता है, वो कमीशन सिर्फ कमीशन खाने के अलावा कुछ नहीं करते। कमीशनों का यहाँ वाहिद मकसद है चोरी को छुपाना, करप्शन को छुपाना और मुल्जिमान को तहफ़ देना, ये वाहिद मकसद इस मुल्क के अंदर कमीशनों का है। लेकिन ये काम चल नहीं सकता, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, लोग तकलीफ में हैं, मुल्क मुश्किल में है। हुक्मरानों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अवाम इन हुक्मरानों को वहाँ पर पहुँचाएंगे जो इबरत का निशान होगा। जनाब ट्वीट से इजहार अफसोस नहीं होता, ये नालायकी है, ना एली और करप्शन है। रिकॉर्ड चेक करें ना, हमने कर लिया। उस ट्रैक की मेंटेनेंस के पैसे कहाँ गए इस बात का पता करें। हादसा क्यों पेश आया ये कोई नहीं करेगा, ना तवक्को है इन लोगों से। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इतने बड़े हादसे पर 5 मिनट कौमी असम्बली आकर इस मुल्क के अवाम से माफ़ी नहीं मांग सकता, इज़हार हमदर्दी नहीं कर सकता, आप उससे तवक्को करते हैं तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा। जनाब भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आवाम रुल रही है, मुश्किल हालात में है और हुकूमत को कोई उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हुकूमत को जब परवाह नहीं है और अपोजिशन इकट्ठी होती है, पीडीएम बनती है और वो फिर टूट जाती है, पीडीएम भी इकट्ठी बना सकती है, तो किस तरह से आवाम के मसाइल का मुदावा किस तरह से होगा, किस तरह से उनको सामने लाया जाएगा? अपोजिशन के मसाइल का मुदावा, ये धूप में खड़े होकर आवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन का काम होता है। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करें, अपने प्लेटफॉर्म से करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, बाहर करें, ये हमारा काम है। हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। आवाम जो है उनका काम इलेक्शन में आएगा और इंशाल्लाह अगर इस मुल्क को तारीख के पहले शफाफ इलेक्शन मिले, धांधली ना हुई, तो फिर इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखेंगे। दिफाई बजट में कमी आएगी, महंगाई या असरात आप निकाल दें, दिफाई बजट में 30% कमी आ चुकी है। दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा डॉलरों में होता है। जिस मुल्क में 12% महंगाई हो, डॉलर 35% कम हो गया हो, आप रुपये के अंदर कागज में तो लिख सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उस पैसे से आप मुल्क का वो दिफा नहीं कर सकते जो आप 2018 तक कर रहे थे। 2013 से 2018 तक हर साल रियल टर्म्स में, जिसको रियल टर्म्स कहते हैं, कि कुव्वत खरीद क्या है, दिफाई बजट में इजाफा हुआ और वो इजाफा पाकिस्तान में रिकॉर्ड इजाफा था। सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता, हम एक सियासी जमात है, पीस पार्टी भी सियासी जमात है, हमारा और कोई रिश्ता आपस में नहीं है। हमने भी पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात करनी है, उनका भी काम है कि वफाक में अपोजिशन में है, सिंध में हुकूमत में है, अवाम के मसाइल की बात करें। जो उनकी लीडरशिप है उनसे मेरी गुजारिश होगी कि कुछ ज़र्फ होते हैं, कुछ काम करने का तरीका होता है, तो बात करने का तरीका होता है, वो सीख लें। जी 1948 से 2018 तक कोई इलेक्शन भी शफाफ नहीं था। उसके बेनिफिशरी कौन थे, वो शफाफियत पे क्या असर था, ये आपको ट्रुथ कमीशन कभी बना दें वहाँ से मिल जाएगी।